स्वच्छता में नंबर वन शहर इंदौर। इस शहर को उत्सवों का शहर भी कहते हैं और अभी इस वक्त मैं इंदौर के चिमनबाग मैदान पर मौजूद हूँ। रावण दहन में कुछ वक्त बाकी है लेकिन उसके पहले इंद्रदेव ने बरसात कर दी है, लेकिन उत्सव के शहर इंदौर में किसी भी तरह का उमंग में कमी नजर नहीं आती है। पहले आप देख लीजिए, 101 फीट का रावण तैयार किया गया और इस रावण का दहन होने में अभी कुछ वक्फा बाकी है और आतिशबाजी भी बमुश्किल की जा रही है क्योंकि बरसात लगातार हो रही है। लगातार बरसात के बावजूद आतिशबाजी चलाने की कोशिश की जा रही है लेकिन आतिशबाजी कुछ हद तक रुक गई है क्योंकि बरसात तेज हो गई है। अब अगर मैं पीछे की तस्वीर दिखाता हूं तो यहां लोग अब भी डटे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहां मौजूद हैं और तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि इस उत्सव के शहर में हर व्यक्ति इसी उम्मीद के साथ में, इसी आस्था के साथ में यहां मौजूद है कि रावण दहन को देखने पहुंचे। कुछ बाहर के लोग भी यहां मौजूद हैं, मैंने इनसे पहले भी बात की थी। मैम, पुणे से हैं आप, लगातार बरसात तो होती जा रही है लेकिन फिर भी खड़े हैं और डटे हैं उत्सवों का शहर इंदौर। हाँ जी, ये बारिश कितनी भी आए मैं तो हिलने वाली नहीं हूँ। आप हिलने वाली नहीं? 2 साल का इंतजार लंबा हो गया था? काफी लंबा हो गया था। एज कम्पेयर टू पुणे, इंदौर का उत्सव और इंदौर का माहौल? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ पे सारे फेस्टिवल्स इस तरह मनाते जैसे मतलब हर हर्षोल्लास से बनाते हैं, जबकि पुणे में इतना नहीं रहता है। वहाँ इवेंट्स होते पर यहाँ पे जो लोग हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। लोग अच्छे हैं, इंदौरी अच्छे हैं। आप बेसिकली हैं कहाँ? मैं इंदौर की ही हूँ। मम्मी, एक इंदौरी हमेशा इंदौर की बात, खाने पीने की तो हमेशा और फेस्टिवल्स की। बेशक बेशक। सर, आप कहाँ से? तो इंदौर के ही हैं। आप इंदौर की बेटी है। बारिश के बावजूद वाह, हालात अभी जैसे उत्सव मनाया जाता है वैसे ही है? वैसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इंतजार सिर्फ रावण दहन का ही? बिल्कुल, बाहर कोई भी नहीं जा रहा, सब खड़े गीले होके खड़े हुए हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे आप? आप भी काफी देर से डटे हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं केवल ये देखने के लिए आया हुआ हूँ, तो जब तक पूरा हो नहीं जाता कार्यक्रम तब तक जाने वाले नहीं है, चाहे बारिश हो या ना हो। बारिश हो या ना हो, एक ही आवाज़ होती है। मैम, बरसात के बावजूद बड़ी देर से इंतज़ार किया जा रहा है। एक्चुअली बारिश हो रही है तो क्या हुआ, उत्साह तो कम नहीं हो सकता ना। हम भारतीय हैं और हमारे त्यौहार तो हम मना के ही रहेंगे। हम भारतीय और साथ ही साथ इंदौरी, इंदौरी तो बिल्कुल, वो तो जन्म से ही इंदौरी है। इंदौरी तो बरसात हो रही है बेटा, क्या मतलब, क्या किस चीज़ का इंतज़ार है? रावण जलने का। रावण जलने का इंतजार कर रहे हैं। उत्साह में कोई कमी नहीं है। पीछे अगर मैं तस्वीरें दिखाता हूं तो फिर वही तस्वीर देखने को मिलती है कि इंदौरी डटे हैं बारिश के बावजूद और उम्मीद इस बात की जा रही है। आयोजन समिति ने कहा था कि इस टाइम को, हालांकि बहुत लेट था ये शेड्यूल, लेकिन उस लेट शेड्यूल के बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें यहीं डटे रहना है। शेड्यूल को थोड़ा सा पहले करने की गुजारिश की जा रही है लेकिन उम्मीद इस बात की जाती है कि रावण दहन ठीक से हो पाएगा, क्योंकि भोपाल में भी इसी तरह के कुछ हालात बने थे जब तेज़ बरसात के कारण रावण दहन के अंदर दिक्कतें आने लगी थी। अभी भी फिर एक बार तस्वीरों में देख लीजिए कि पीछे की तरफ जितना भी क्राउड है वो अब भी डटा है, लोग अब भी इंतज़ार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने टेम्परेरी इंतजाम कर लिए हैं। बेटा, टोपी बना ली आपने तो बरसात से बचने की? हाँ। अच्छा, किस बात का इंतज़ार है? रावण जलने का। बारिश से कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं। किसी ने कहा रावण गीला हो रहा है। जी सर, बस सर, रावण का गीला हो रहा है और कुछ नहीं है, बाकी सब तो हम डटे हैं। बाकी डटे हुए हैं। इंदौर का जुनून है फेस्टिवल का। इंदौर में हर त्योहार मतलब अनंतचतुर्दशी, पंचमी, दशहरा सभी बहुत अच्छे जोश के साथ बनता है। ये जुनून है और इस जुनून को इंदौरी जुनून कहते हैं और ये इंदौरी जुनून आपने देख लिया कि बरसात हो रही है, इंतजार अब भी इस बात का है कि जल्द से जल्द इस रावण का दहन हो जाए और जो उत्सव है, जो त्यौहार है, उसे हम पूरे हर्षोल्लास के साथ मना सके। वीरेंद्र रायकवार के साथ मैं त्याग शेख, इंडिया न्यूज़, इंदौर।